यहाँ देखिए, हमने एक कढ़ाई ली है और अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये 1 ग्लास दूध, 2 ग्लास और ये 3 ग्लास। हमने इसमें टोटल 3 ग्लास दूध डाला है। अभी हम गैस को मीडियम कर देंगे और यहाँ देखिए, ये हमने ली है 1 किलो गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है और हम ये इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। ये देखिए, हमने दूध और गाजर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ढक देंगे और गैस को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो गैस पर हम इसको 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। देखिए, यहाँ हमने इसको 25 मिनट तक पकाया था बीच बीच में चलाते हुए। उसके बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट और पकाया था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसे एक बार और देख लेते हैं कि गाजर अभी अच्छे से गली है या नहीं। तो ऐसे हम देख लेंगे। ये देखिए, गाजर अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए, अब हम इसको मीडियम टू हाई गैस पर तब तक पकाएंगे। ये दूध है ये इसी तरीके से इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। इस प्रोसेस में 20 से 25 मिनट फिर से लग जाएंगे। हम इसको बीच बीच में चला देंगे। ये 20 मिनट हो चुके हैं और इसका दूध अभी ये काफ़ी जल गया है, इतना बचा है और अभी भी हमने गैस को मीडियम टू हाई रखा है। और यहाँ ये हमने ली है मलाई, फ्रेश मलाई है ये 1.5 कप और हम इसे चम्मच से थोड़ा सा इस तरह से फेंट लेंगे। और ये हम इसमें मिला देंगे। इससे क्या होगा कि हमें इसमें खोआ डालने की ज़रूरत नहीं है अलग से और मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से इसमें। ये देखिए, हमने मलाई को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम गैस को मीडियम टू हाई कर देंगे। मीडियम टू हाई गैस पर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो इसमें हमने दूध और मलाई डाली है ये पूरी तरह से जल नहीं जाता, इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और इसको हम बीच बीच में चलाते हुए इसी तरह से होने देंगे। ये देखिए, इसका दूध पूरी तरह से सूख चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल भी दूध नहीं है, दूध और मलाई हमने डाली थी उसका खोआ बन गया है। आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये खोआ बन गया है इसका। और इसके कलर को हम लास्ट में एक ट्रिक के साथ में चेंज करेंगे, वो आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। और अभी हम इसमें चीनी डालेंगे। ये 1 कप चीनी हमने डाली है अभी और ये 2 कप चीनी। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। हमने इसमें टोटल 2 कप चीनी डाली है। मीठा अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें आधा कप या 1 कप चीनी और ऐड कर सकते हैं। और हम अभी गैस को मीडियम कर देंगे और चीनी को इसमें अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए, चीनी इसमें मेल्ट हो गई है और जब चीनी मेल्ट हो जाती है तो इस तरह से पानी छोड़ देती है। तो इस पानी को हमें इसमें पूरी तरह से सुखाना है। गैस को हमें मीडियम रखना है और इसे हम तब तक करेंगे जब तक इसका ये पानी अच्छे से सूख नहीं जाता और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ देखिए, हमने 12 से 15 बादाम लिए हैं और पिस्ते लिए हैं। हमने इसको पानी में भिगो के रखा है। यदि आप भिगोना नहीं चाहते तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने पिस्ते को भिगो के इसलिए रखा है, इसका ये छिकल देखिए फूल गया है, पिस्ता भी फूल गया है। यदि आप इसका छिकल हटा के देखेंगे तो इसका कलर इस तरह से, ये बहुत अच्छा लगता है जब हम इसको इससे गार्निश करेंगे और बादाम को भी हम छील लेंगे। इसी तरह से हम दोनों चीज़ों को छील लेंगे। देखिए, हमने पिस्ते का छिकल हटा दिया है, बादाम का हटा दिया है और हमने 6 से 7 काजू लिए हैं। यहाँ हमने 5 इलायची ली है, इसके दाने को निकाल के हम पीस लेंगे और पिस्ता और बादाम को हम लंबाई में काटेंगे और काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका जो चीनी का पानी था वो पूरी तरह से सूख गया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके कलर को और अच्छा करने के लिए अब हम करेंगे।
यहाँ देखिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है। यहाँ हम लेंगे घी। घी हमने लिया है 100 ग्राम के करीब, यानी कि आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखिए घी हमारा मेल्ट हो गया है। घी को मेल्ट होते ही गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है, और ये हम इसमें डाल देंगे काजू और ये बादाम, थोड़ा सा इसको रोस्ट होने देंगे। थोड़ा सा पिस्ता, गैस को बिल्कुल स्लो रखना है वरना ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। ये देखिए रोस्ट हो चुका है, 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको किया है हमने, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें ये हलवा डाल देंगे, पूरा हलवा डाल देंगे हमने जितना बनाया है। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से, और इस पर हम बिल्कुल स्लो गैस पर भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए ये हमारा हलवा तैयार है। और अब हम सबसे लास्ट में इसमें डाल देंगे ये इलायची पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं हमारे हलवे का कलर कितना अच्छा आया है। ये प्रोसेस लास्ट में करने से इसका कलर और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। इसके आप देख सकते हैं खोआ जो है वो रवेदार हो गया है, जैसे मतलब उसका एक एक दाना बन गया है और मुंह में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। मिक्स कर लेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। मिक्स कर लिया है हमने इसे अच्छे से, और गैस को बंद कर देते हैं और इसे सर्व करेंगे। तो देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बना है। आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।